जिलाधिकारी केजेएन पांडेयन ने गुरुवार को सहजनवा तहसील के भीटा रावत प्राथमिक विद्यालय में प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आयोजित स्वास्थ्य, राजस्व एवं अन्य विभागों के कैंप में कहा कि ब्लॉक स्तरीय आरबीएस के टीम के चिकित्सकों द्वारा बाहर से आए हुए प्रवासी कामगारों, श्रमिकों एवं गाँव के अन्य ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी केजेएन पांडेयन ने कहा कि कोरोना संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, केवल बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा समय समय पर अपने हाथों को साबुन से साफ करते रहें। जिलाधिकारी ने गांव के प्रधान को निर्देशित किया कि आने वाली सभी प्रवासी व्यक्तियों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए तथा निगरानी समिति द्वारा होम क्वारंटाइन किए गए लोगों पर विशेष ध्यान रखें, जिससे वह बाहर निकल कर गांव में घूमने ना पाए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि आपस में विवाद ना करें, जो भी समस्या है उसका राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा नियमानुसार निस्तारण कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केजेएन पांडेयन ने कहा, मेडिकल टीम भी आया हुआ होगा, जरा दूरी बना के बाकी लोग कैसे हैं वो सीमित करता है, उनको भी जांच करते हैं और इसमें सिस्टम प्लस से वो जो सिम्टोमेटिक है उनको स्वैब लेनी है जी। ये आपका राजस्व विभाग से पहला था, यहाँ पर किसी गांव में कैंप लगता है वहाँ 15 दिन में, बरसात के समय ये बगाना नहीं होना चाहिए था यार, तो बरसात के समय में काम नहीं होगा। आप सिंचाई विभाग और बाढ़ संबंधित विभाग से उसी के टाइप पे काम ले लीजिए ताकि बरसात के समय में चलते रहे। खास तौर पे आप मानव दिवस पर डे आपको ब्लॉक में सुरक्षित होना ही होना है, इन्हीं लोगों का नौकरी के रूप में जो राशन देंगे, पैसा देंगे, नौकरी भी देना हमारा जिम्मेदारी है। गांव में कोई समस्या है किसी का, हम लोग अंदर से हाल करता तो बताओ, और कितने लोग आपके गांव से बाहर से आए? 222 लोग। पहली बात ये है। दूसरी बात जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आप सबकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है, जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है। आपको पता है पिछले 3 दिन पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज के भी 4-5 डॉक्टर चपेट में आ गए हैं। हमने पिछले 2 महीने में हमने शहर में भी देखा, गली गली में ढूंढ के पोस्टर लगाया है हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, गांव गांव में जो हमने आइडेंटिफाई करी है, रैंडम सैंपलिंग करी है, आपका बहुत योगदान है। पुलिस महकमा भी इस चीज को समझ रहा है और भी यहाँ पर है, तो ये इस तरह के पंगे लगातार हमारे सुनने में आ रहे हैं और हमारी नोटिस में आ रहे हैं, तो इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बहुत काम बढ़ जाता है कि आपको जगह जगह गांव में नजर रखनी है और पुलिस की मदद करनी है। कि देखिए, हम लोग यहाँ 1335 निगरानी समिति बनाए हुए हैं, हर ग्राम पंचायत में निगरानी समिति है, उस पर खासतौर पर ग्राम स्तर का जो अधिकारी कर्मचारी सभी लोग उस पर सदस्य, उनका जिम्मेदारी यही है जो बाहर से जो आए हैं लोग, जो मुंबई दिल्ली से जो भी मजदूरी काम करते हुए बाहर वापस आए हैं, उन्हीं लोग का 21 दिन का जो क्वारंटाइन है उसको सुनिश्चित करना है। और गाँव में और अन्य सुविधा है इन लोग का जो सरकार के माध्यम से दी जा रही है, वैसे राशन है और जो पैसा भेजना है और मेडिकल चेकअप करना है, उसी के लिए हम लोग एक कैंप के जरिए से शुरू किए हैं। बरसात के पहले हम लोग प्रयास कर रहे हैं जमीन संबंधित समस्या को भी निस्तारण कराने के लिए, इसलिए रेवेन्यू की टीम है और मेडिकल टीम है और उसके अलावा अन्य डिपार्टमेंट भी रहेंगे वहाँ, जो निगरानी समिति के साथ वहाँ का जमीन संबंधित मसला को भी हल करेंगे और जो उन लोग का क्वारंटाइन के बारे में समझाना है, कोरोना के बारे में समझाना, उसी का भी कराएंगे। उसी का मीटिंग था, रोज़ाना हम लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, आज भी बीटी रावत में मीटिंग था और हम और कप्तान सब गए थे। सब प्रवासी नागरिकों जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए भी क्या हो रहा सरकार बनाने की या इस तरह रोजगार की व्यवस्था है स्टेशन का? देखिए, इन लोग जो 2 सुविधा तो हम तो तुरंत दे दे रहे हैं, एक तो 1 महीने का राशन किट है, करीब 1250 रुपये के लागत का है, वो पूरा उसका जो दाल है, चना है
और आटा है और तेल है सारे चीज़ वो तो तुरंत दी जा रही है। उसके अलावा 1000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से पैसा भी देंगे खाता में। उसके अलावा मनरेगा के अंदर तो किसको भी रोज़गार चाहिए वो तुरंत वो काम में लगा सकते हैं। 205 रुपये प्रति दिन के दर से हम नरेगा का काम भी दे रहे हैं। उसके अलावा कोई क्वालिफाइड लोग हैं, मान लीजिए कोई प्लम्बर है, फिटर है इत्यादि है, और कोई स्किल्ड वाले हैं जो किसी का हुनर है, उनका हुनर के साथ के साथ जो हम लोग कहीं ना कहीं नौकरी भी लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक महीने के अंदर इन लोग का कहीं अच्छा नौकरी भी मिल जाएगा, बट तब तक के लिए नरेगा के अंदर वो काम कर सकते हैं। और राशन कार्ड चाहिए तो राशन कार्ड भी व्यवस्था करा लेंगे, और राशन तो तुरंत दे ही दे रहे हैं। जिसके पास राशन कार्ड है भी है उनका अतिरिक्त रूप से हम राशन दे ही रहे हैं।